तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अडानी पावर के स्टॉक के ऊपर, क्योंकि आपको देखने को मिला है अडानी पावर के अंदर एक बेहतरीन तेज़ी बनती हुई देखने को मिली है। अडानी पावर देखिए, यहाँ पे आपको दो दिन दो लगातार अपर सर्किट पे देखिए लगता हुआ देखने को मिला है, और करीबन 65% देखिए आपको ये करीबन एक महीने के अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे अडानी पावर के ऊपर, क्या यहाँ से अडानी पावर आपको अब बढ़िया तेज़ी करके दिखाएगा, क्या यहाँ पे टारगेट्स काफ़ी बड़े होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल से आप नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अडानी पावर के स्टॉक के ऊपर जाते हैं। देखिए, आज भी यहाँ पर अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है आपको। तो देखिए, अडानी पावर ने आज 151.75 रुपये पे क्लोजिंग दी, 24.85 रुपये बढ़ाया, 19.58% तक की देखिए आपको आज यहाँ पे स्टॉक के अंदर तेज़ी देखने को मिली है। अपर सर्किट लग गया था, लेकिन वो प्राइस एडजस्टमेंट के बाद देखिए थोड़ा सा स्टॉक में आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला, बट अदरवाइज यहाँ पर स्टॉक ने एक बेहतरीन देखिए आज आपको तेज़ी दिखाई है, बेहतरीन लगातार तेज़ी दिखा रहा है। जब से देखिए वो खबर निकल के आई थी कि अडानी पावर का सर्किट फिल्टर चेंज हो गया है, पहले देखिए सिर्फ आपको 5% का सर्किट फिल्टर देखने को मिलता था, जैसे ही देखिए 20% हुआ और जैसे ही देखिए वो अनलॉक ट्रेड की शुरुआत हुई, आप देखिए अडानी पावर के अंदर बेहतरीन तेज़ी बन रही है। देखिए, कुछ भी यहाँ पे जो तेज़ी का कारण के पीछे देखिए सिर्फ एक वजह है, वो है अनलॉक ट्रेड। और आप आज देखिए ऊपर खुलने के बावजूद देखिए स्टॉक ने जो आज आपको तेज़ी दिखाई है वो बेहतरीन है, दिन की हाईएस्ट पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग। और देखिए, अडानी पावर अब यहाँ पर आपको चलना चालू हो चुका है, अडानी पावर फिर से एक बड़ी रैली। आपको पहले ये टाटा पावर के भी नीचे मिलता था, और अब देखिए बीच में यहाँ पे ये स्टॉक ने काफ़ी गिरावट दिखाई, लेकिन अब टाटा पावर को भी देखिए स्टॉक ने बिछाड़ दिया और उससे भी ऊपर निकल चुका है, और अब देखिए 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आप मान के चलिए कि 200 रुपये भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। अडानी पावर देखिए जो रैली आपको पहले दिखाया था, याद रखिए पिछले 6 महीने का चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, 6 महीने में हुआ क्या था एग्जैक्टली, जो रैली यहाँ पर हमको देखने को मिली थी उससे भी बड़ी रैली अभी देखने को मिल गई है, डेफिनेटली काफ़ी बड़ी। लेकिन अभी भी देखिए स्टॉक का यहाँ पर रुकने का नाम नहीं है, आज भी देखिए यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिली है, और कल भी देखिए बड़ी तेज़ी के संकेत है स्टॉक के अंदर, देखिए लगातार अपसाइड देखने को मिल रहा है। और पिछला एक हफ्ता गोल्डन पीरियड कह सकते हैं कि अडानी पावर के इन्वेस्टर्स के लिए रहा है। देखिए, डी लिस्टिंग की खबरें जो भी निकल के आ रही है उस पर अभी भी मुझे कोई देखिए बिलीव नहीं है, डी लिस्टिंग होगी तो देखिए यहाँ पर आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए स्टॉक के अंदर जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं वो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट ही करके रहे, क्योंकि यहाँ पे एक बेहतरीन देखिए वॉल्यूम के साथ तो तेज़ी हो रही है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक। आप देख के चलिए कंपनी के रिजल्ट्स, बेहतरीन नतीजे निकल के आए, और उसके बाद आपको देखने को मिला स्टॉक में एक बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली। देखिए, अडानी पावर के ऊपर एनालिस्ट का क्या मानना है वो चलिए आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया था, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे पूछा गया कि इन्वेस्टर्स ऑफ अडानी पावर क्या करें, तो देखिए यहाँ पे साफ साफ एनालिस्ट ने क्या रिकमेंड किया है, चलिए आपको दोस्तों ये बताता हूँ। तो देखिए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए अडानी पावर का ऐसा स्टॉक जो अभी आपको बेहतरीन तो यहाँ पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल ही रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप अडानी पावर के निवेशक हैं तो आप समझ के चलिए कि 200 रुपये के लक्ष्य आपको काफ़ी जल्दी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए, बहुत ही बेहतरीन खबर निकल के आई, उन्होंने कहा कि अडानी पावर डेफिनेटली मोमेंटम तो यहाँ पर है ही, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटी स्पेस में देखिए जो फोकस रह रहा है, जो पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, इसके कारण आप देखेंगे अडानी पावर सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है और टॉप गेनर आपको देखने को मिला है। अडानी पावर ने 5.5 टाइम रिटर्न दिया है अपने लोएस्ट लेवल मार्च 2020 से, और देखिए वो 23 रुपये के आसपास मिलता था आपको, आज वहाँ से देखिए करीबन 150 रुपये के आसपास। तो देखिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नज़रिया, लॉन्ग टर्म जो भी रखेगा उसका पैसा बनेगा, और यही आपको देखने को मिल रहा है। लगातार ये स्टॉक बढ़िया कर रहा है, और अभी भी कहता हूँ कि देखिए होल्ड करके चलिए, ये स्टॉक के अंदर 200 रुपये का लेवल आपको इतनी जल्दी दिख जाएगा कि आपको समझ नहीं आएगा, और यहाँ से एक बेहतरीन नंबर ऑफ रिटर्न्स देखिए आप कमा के जाने वाले हैं। कल के लिए क्या करना है, कल क्या स्ट्रैटेजी बनानी है आपको अडानी पावर में, चलिए दोस्तों ये बताता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, अडानी पावर आज की जो क्लोजिंग मुझे देखने को मिली वो बेहतरीन तो देखने को मिली है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे देखनी थी कि क्या 150 रुपये के ऊपर बंद हो सकता है, हमको 150 के ऊपर की आज क्लोजिंग मिल गई है। अब समझ के चलिए 150 की जो ऊपर की हमको क्लोजिंग देखने को मिली है, यही दोस्तों कल मोमेंटम को बढ़ाएगी नहीं भगाएगी, ये स्टॉक कल भी देखिए भागता हुआ देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि अभी भी सर्किट लिमिट इसकी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आज फुल 20% बढ़ नहीं पाया, तो सर्किट फिल्टर भी देखिए चेंज नहीं होगा, और यहाँ से कल भी एक मोमेंटम देखिए बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अब समझ के चलिए कि अडानी पावर कल एक बेहतरीन तेज़ी के साथ तो बढ़ने वाला ही है, लेकिन कल हो सकता है कि 175 को भी पार कर जाए। अब समझ के चलिए कि स्टॉक के अंदर जो भी सबसे बड़ी दिक्कतें थी उसको पार कर लिया है, जो 100, 102, 104, 107
ये जो लेवल्स थे जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था उसको वन वे में क्रॉस किया, और जो सर्किट फिल्टर चेंज हुआ है तो आप समझ के चलिए कि मोमेंटम तो बनना ही था, क्योंकि सर्किट फिल्टर दोस्तों यहाँ पे रोक देता था 5% की तेज़ी के बाद, तो स्टॉक बढ़ नहीं पाता था। लेकिन अब सर्किट फिल्टर भी चेंज हो चुका है और हमको देखिए बढ़ता हुआ भी देखने को मिल रहा है। तो अडानी पावर के निवेशक जो भी हैं वो इसको होल्ड करके चलिए, क्या दिक्कत क्या है? देखिए यहाँ से अगर थोड़ा बहुत भी डिप मिलता है तो उसको तो हम बाय करके करेंगे। जिन लोगों को देखिए प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना है वो यहाँ पे सोच सकते हैं, क्योंकि बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं डेफिनेटली। आधा बुक करके चलिए और आधा होल्ड करके चलिए, क्योंकि आधा अगर हम बुक भी करके चलेंगे तो हमारा देखिए यहाँ पे क्वांटिटी बचेगी और हमको बढ़िया प्रॉफिट यहाँ से अभी भी और भी हो सकता है। देखिए मैं तो आपको बेचने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ से अडानी पावर बहुत ही बढ़िया लगता है। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो यहाँ पे मैं और एंटर करने का सोचूंगा रेदर देन सेलिंग दिस स्टॉक, कि यहाँ से एक बढ़िया मोमेंटम बिल्ड हो चुका है। और अडानी पावर आप सोच लीजिए ये स्टॉक वैसा है जो सबसे कम चला था आपको अडानी के सारे स्टॉक्स के अंदर, और अब आप देखिए पिछले एक साल के अंदर करीबन 300% तक के रिटर्न कमा के दे रहा है। तो डेफिनेटली देखिए जो तेज़ी है वो हमको भी देखने को मिल रही है, और डेफिनेटली बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। अब कल क्या करना होगा चलिए आपको दोस्तों ये बताता हूँ। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था दोस्तों हमको देखना वो था कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग कितनी हो रही है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो आखिरी मिनटों में आपको देखने को मिला है स्टॉक के अंदर अभी भी जो बाइंग है वो बनी हुई है, 3 sell and 14 buy। अब समझ के चलिए सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा कम है, बाइंग आपको इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। सेलिंग क्यों करेंगे देखिए लोग जब आपको इतना ज़्यादा मोमेंटम स्टॉक के अंदर बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है? लेकिन वो ये कि देखिए लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी ध्यान देते हैं, और वो ये भी हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें मूविंग एवरेजेस तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाय करके चलेंगे हम विथ 1 sell 13 buy। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, बाइंग के साथ तेज़ी देखने को मिल रही है। और आज आप समझ के चलिए टॉप वॉल्यूम गेनर्स में नंबर 1 पे था अडानी पावर, तो डेफिनेटली देखिए तेज़ी बेहतरीन है, वो बनती हुई देखने को मिल रही है। और यहाँ से मेरी बिल्कुल खरीदारी की सलाह होगी। करना क्या होगा दोस्तों यहाँ पे चलिए आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस था वो बताना चाह रहा हूँ। रेजिस्टेंस देखिए आज इसने अपने तीनों को क्रॉस किया है, 152.98 कल डेफिनेटली क्रॉस कर देगा अगर कल गैप अप भी खुलता है, अगर मार्केट सपोर्ट देता है। क्योंकि आज जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रही है, और मार्केट में फिर से मोमेंटम कल बिल्ड हो सकता है। तो जो लोग यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं वो करके चलें। करंट लेवल के आसपास मेरी खरीदारी की सलाह है। कल के लिए जो ट्रेडिंग हमारा आइडिया होगा वो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे करीबन 165 से लगाकर 170 रुपये के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस दोस्तों जो मेंटेन करके चलना है कल आपको यहाँ पे वो करके चलना है। कल के लिए जो होगा करीबन यहाँ से 5 रुपये नीचे वो होगा करीबन 145 का, लेकिन जो रिस्क ले सकते हैं वो 140 का SL मेंटेन करके चले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों एक और बात, यहाँ पे होल्ड करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वापस से कह रहा हूँ, क्योंकि स्टॉक में मोमेंटम बिल्ड है। और आप समझ के चलिए कि अनलॉक ट्रेड की शुरुआत हो चुकी है, और अनलॉक के कारण ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहेगा, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे खरीदारी भी बन सकती है। और जिन लोगों ने ले रखा है वो खरीदारी करके ही चले, खरीदारी करके और चले, क्योंकि देखिए अगर डिप मिलेगा तो आपको एंटर करने के बारे में सोचना है। डीलिस्टिंग की खबरें डेफिनेटली आ रही थी बीच में, लेकिन अभी भी उन वो डीलिस्टिंग खबरों में कोई भी दम नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से उसके ऊपर कुछ भी बयान निकल के नहीं आया। तो आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए, होल्ड दिस स्टॉक, डेफिनेटली ये गोल्ड आपको बन के देगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।